चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। बिजनेस टाइकून के फाइट पर आधारित फिल्म 22 डेज रिलीज हो चुकी है, दर्शकों के बीच पहुंच चुकी है। किस तरह का रिस्पांस है, फिल्म को किस तरह सा रिस्पांस मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर अधीर गणेश जी मौजूद है। गणेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आज, क्योंकि गणेश जी का भी आगमन हो चुका है, आपकी फिल्म का भी आगमन हो चुका है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है और इंतज़ार करें कि और ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि जो काम मेहनत और दिल से करते हैं उसका मेहनत तो रंग लाएगा। 14 सितंबर क्यों चुना था आपने, कोई खास वजह थी? क्योंकि गणेश जी का भी आगमन इसी बीच होना था, और क्योंकि कई फिल्में रिलीज़ नहीं की जाती है इस दौरान, लोगों को लगता है कि लोग जो है वो थिएटर तक टर्न आउट नहीं होंगे, आपने 14 सितंबर चुना गणेश जी के आगमन के समय, रिस्क था, डर था आपको? जिंदगी में कहाँ रिस्क नहीं है, आप सड़क पर जाते हो रिस्क है, पता नहीं कहाँ से गाड़ी आके ठोक देती है, रिस्क तो जिंदगी का हिस्सा है। और हमने पिक्चर शुरू किया था लास्ट ईयर गणपति के दिन पे, पहला क्रॉप किया था गणपति के दिन पे, इसलिए हमने ये दिन चुना। PVR सिनेमा में रिलीज़ हो रही है फिल्म, पूरे देश भर में रिलीज़ हुई है, लोगों को किस तरह, लोगों से आपने मुलाकात की होगी, आपको फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रहे होंगे, क्या उनका क्या कहना है, फिल्म कैसी लगी उनको? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, अलग है, और जो हमारा सीनरी, हमारा स्टार जो है नई पीढ़ी का है, और मेरे ख्याल में दिस ऑल इज इंग्रेडिएंट विल अट्रैक्ट ऑल द दर्शकों, और सब सिनेमा वालों को नया चीज़ देखने का मिलेगा। एक अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है फिल्म में, हालांकि बिजनेस टाइकून पर, बिजनेस राइवल्स पर कई फिल्में बन चुकी है, इस फिल्म में ऐसी क्या अलग बात थी कि लोग जो है वो इस फिल्म को देखें? दिस इज़ ए स्टोरी बेस्ड, मोशन स्टोरी बेस्ड है, एंड बिजनेस टाइकून जो है अलग फिल्म जो है वो डॉन माफिया फाइटिंग होता है, और हमारी पिक्चर में फाइटिंग नहीं है, फाइटिंग होता है कागज़ पर, और वो नहीं है कि फाइट्स रेगुलर फाइट्स होता है, नहीं, या किसी को बेच देते हैं मारने का, हमारे पिक्चर ये सब नहीं है, वायलेंस नहीं है। ज़्यादातर देखा जाता है कि एक्शन फिल्म में लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपने इन सभी चीज़ों को जो है अवॉइड कर दिया, ऐसा क्यों? एक्शन इज़ गुड बट प्यार इज़ बेटर। इस फिल्म में और क्या खास है, लोगों को क्यों देखना चाहिए 22 डेज? लोगों क्या क्यों देखना चाहिए, ये पिक्चर जो है दिखाएंगे कि एक कपल में वो वर्ड ट्रस्ट क्यों होना चाहिए, क्यों शक नहीं होना चाहिए, और शक अगर होगा तो पूरा स्टोरी चेंज हो जाता है लाइफ में, और कपल में जरूरी है ट्रस्ट, नेवर डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस फिल्म में और ख़ास बात है, मॉरिशियस में इस फिल्म की पूरी शूटिंग जो है वो की गई है, शिवम तिवारी इस फिल्म में जो है वो लीड रोल पर नज़र आने वाले हैं, इससे पहले भी हमने बात की थी उनसे और आज खुद वो फिर हमारे साथ मौजूद है। शिवम जी, फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, 14 सितंबर को बोली जा रही थी कि फिल्म रिलीज़ होगी, और फिल्म रिलीज़ हुई है, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को हृदय से अभिवादन करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब तक जितनी रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, बहुत लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, काफ़ी जगह हाउसफुल जा रही है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारे साथ गणेश जी भी मौजूद है, कुछ खट्टी मीठी चीज़ें हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से। देखा जाता है कि जब फिल्म की पूरी कमान जब किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो वो मनमानी करने लगता है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने मनमानी की हो, प्रोड्यूसर को कहा हो कि नहीं ये चीज़ मुझे इसी तरीके से चाहिए? एक्चुअली आपने मनमानी का शब्द बहुत अच्छा यूज़ किया, मैं एज डायरेक्टर मैं मनमानी नहीं कर पाया, पर मेरे प्रोड्यूसर, एज प्रोड्यूसर उन्होंने बहुत मनमानियाँ की,
मेरे स्क्रिप्ट में जो चीज़ नहीं था वो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप एक दो बिजनेस टाइकून की आप मीटिंग एक एक इस जगह पे करा रहे हो, इट्स ओके, इससे बेटर ये हो सकता है कि आप दो बिजनेस टाइकून की मीटिंग आप रेस कोर्स में कराओ, मैं उसको प्रोवाइड करके देता हूँ। थोड़ी देर के लिए यू कांट बिलीव सर, मैं देख रहा हूँ यार, वाओ, ऐसे प्रोड्यूसर होने चाहिए जो इन्होंने अपनी मनमानियाँ की ऐसी फिल्म को बेटर करने के लिए। मैंने जो 100% दिया, अब मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा इन्होंने 500% दिया फिल्म को बेटर करने के लिए। सो ये मनमानी अच्छी लगी, थैंक यू सर। ज़्यादातर देखा जाता है कि डायरेक्टर अपनी मनमानी करते हैं, यहाँ तो प्रोड्यूसर मनमानी करता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? मनमानियाँ तो हर इंसान में है, मगर ये है कि अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग होता है मनमानी नहीं होता है, क्योंकि इट्स लाइक ए गुड पेयर टू वर्क विथ, वेदर डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑन द सेम वेवलेंथ। शिवम जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिफिकल्ट रहा, परेशान करते थे आपको सेट पर? एंजॉइंग था, जब वो खुद अपना शॉट 10 बार लेते थे और दूसरों का शॉट एक ही बार लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ये अक्सर देखा जाता है कि जब जो डायरेक्टर होता है वो लीड कर रहा हो तो वो खुद अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होता है, ये किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? जैसे अभी मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि एक्चुअली एज एक्टर मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छा शॉट दिया, पर जब मैं एज डायरेक्टर में मॉनिटर पे बैठता था तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे काम में लगता था यार कि नहीं, ये शिवम तिवारी जो एक्टर है उसे और बेटर मैं करवा सकता हूँ, जो शिवम तिवारी डायरेक्टर बैठा हुआ है तो उसमें मैंने किया। और नॉट इवन शिवम तिवारी के साथ, मैंने अपने सारे आर्टिस्टों के साथ किया। सो चाहे वो राहुल देव जी हों, मैंने कई रिटेक्स उनसे करवाए, बट नो डाउट थैंक्स टू राहुल सर कि आपने पूरा सपोर्ट दिया। थैंक्स टू हेमंत पांडे जी, हेमंत पांडे सर भी काफ़ी मतलब मजे हुए कलाकार हैं, काफ़ी सीनियर कलाकार हैं, पर एक अच्छा लगता है जब ये पूरी टीम, पूरी आर्टिस्ट टीम, जो पूरी टीम होती है वो डायरेक्टर को सहयोग करें, और डायरेक्टर को तब अच्छा लगता है जब पूरी टीम सहयोग करती है और डायरेक्टर जो चाहता है वो उसको वो टीम देती है, तो थैंक्स टू माय टीम। आपको जो फिल्म बनानी थी आपने बना चुके हो और दर्शकों के बीच भी ये आ चुकी है, दर्शकों को क्या अपील करना चाहे क्यों वो फिल्म देखे 22 डेज में, ऐसी क्या खास है? अगर आप कह रहे हो कि ये बिजनेस राइवल्स है, बिजनेस टाइकून्स की, दो बिजनेस टाइकून्स के राइवल की कहानी है, तो ऐसी कई कहानियाँ आ चुकी है पहले, तो इसमें क्या अलग है? जैसा कि अभी मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर अधीर गणेश जी ने बताया कि गन वन आते हैं, बंदूकें चलती हैं, एक्शन होता है, ब्लास्टिंग होती हैं, बिल्डिंगें टूटती हैं, गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ मर्सिडीज से लेके एवरी गाड़ियों में ब्लास्ट होता है। हमारी फिल्म में जो ब्लास्टिंग हुआ है वो पेपर पे हुआ है, और हमने बिजनेस फाइट हमने क्रूअल रूप में नहीं दिखाया, हमने उसको मतलब जो रियल में होता है, रियल में मुझे नहीं लगता है कि कोई बिजनेस टाइकॉन्स लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ते होंगे या गोलियां चलाते होंगे, तो हमने रियलिस्टिक को लेते हुए हमने ये फिल्म बनाया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिवम जी और साथ ही साथ फिल्म के प्रोड्यूसर गणेश जी, जिन्होंने बताया कि ये फिल्म किस तरह से अलग है बाकी फिल्मों से, और बिजनेस राइवलरी एक अच्छी कहानी जो है वो पेश करने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों से भी ये उम्मीद की जा रही है कि दर्शक थिएटर तक पहुँचे और इस फिल्म को सफल बनाए, ताकि इस तरह के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर का हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े और अगली और कई ऐसे कॉन्सेप्ट पर फिल्म जो है वो बनाई जा सके। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्रीय न्यूज़, मुंबई।